भाजपा से दोस्ती निभा रहे हैं शिवपाल, सपा को नुकसान पहुंचने पर बीजेपी को फायदा, शिवपाल का कई यादव क्षेत्रों पर गहरा असर, यादव वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को। शिवपाल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। शिवपाल किसी तरह का गठबंधन तो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी कूटनीति से वो सपा का नुकसान करके भाजपा की मदद कर रहे हैं। गोरखपुर से निषाद पार्टी के संजय निषाद और उनके सांसद पुत्र प्रवीण निषाद को सपा से निकालकर बीजेपी में मिलवाने के पीछे भी शिवपाल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। प्रवीण निषाद के सपा छोड़ने पर अखिलेश के हाथ से एक झटके में निषाद वोट बैंक निकल गया और अगले ही पल वो वोट बैंक भाजपा के पाले में आ गया, क्योंकि बीजेपी ने प्रवीण निषाद को गोरखपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया। शिवपाल के बारे में लिखा जा रहा है कि वो यूपी में भले ही कोई सीट ना जीत पाए, लेकिन उनके असर वाले यादव बाहुल इलाकों में उनकी पार्टी वोट कटुआ बन सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। शिवपाल ने मैनपुरी छोड़कर हर उस जगह पर अपने प्रत्याशी उतारे जहां से सपा परिवार के सदस्य मैदान में हैं। मुलायम के नामांकन पत्र पर उनसे मुलाकात करके वो दिखाना चाहते थे कि मुलायम तटस्थ हैं, यानी वो अखिलेश और शिवपाल दोनों के साथ हैं। इसी तरह शिवपाल ने पीस पार्टी को अपने साथ मिलाया है और जहां जहां ये पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां नुकसान गठबंधन का होगा और भाजपा को फायदा, यानी शिवपाल सपा को जितना नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा को उतना ही फायदा होगा। शिवपाल पर यह बात फिट बैठती है जिसमें युवा कहते हैं कि हमें नहीं खिलाओगे तो हम खेल बिगाड़ेंगे, तो बस शिवपाल सपा का खेल बिगाड़ रहे हैं और फायदा भाजपा को मिल रहा है। इसे कहते हैं अनदेखी दोस्ती।